हार्डली 100 मीटर दूर पटरी पे आग लगा दी गई है। देख सकते हो कि 8 साल बाद और देख सकते हो 8 साल बाद पुनः रेल सेवा स्टार्ट की गई और जनकपुर में खुशी देख रहे हो। वेलकम बैक टू अवर न्यू जर्नी। सो आज की जर्नी होने वाली है कुछ हटकर, कुछ स्पेशल। यस, आज हम कुछ अलग करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं हम आपको बताते हैं। आज हम जाने वाले हैं नेपाल बाय फ्लाइट नहीं, बाय रोड नहीं, आज हम जाएंगे बाय ट्रेन। यस, आपने सही सुना, आज हम जाएंगे बाय ट्रेन। फिलहाल मैं हूँ अभी बिहार के एक स्टेशन पे जिसका नाम है जयनगर और ये भारत का आखिरी स्टेशन भी है और यहीं से हमारी ट्रेन खुलेगी नेपाल की कुर्था की ओर। तो चलिए हम इसका हम टाइम टेबल बताते हैं थोड़ी देर में और फिलहाल अभी हम बताते हैं कि इसका एंट्री कैसे लेते हैं क्योंकि ये एक तरह से इंटरनेशनल स्टेशन ही बन चुका है। आप देख सकते हो ये है हमारा जो मेन एंट्रेंस है, ये है और जयनगर लिखा हुआ है और वो जो है गेट वहाँ से एंट्री होगी। बट ये ऑर्डिनरी खोला गया है, बाकी जो साइड में वो नज़र आ रहा है वो होगा हमारा मेन एंट्रेंस और वहीं से हमारी जो कस्टम चेकिंग होगी और वहीं से जो हमारी कस्टम चेकिंग होगी उसके बाद हम लोगों को एंट्री मिलेगी। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा फिर से स्टार्ट हो रही है 2 अप्रैल यानी आज से और ये ट्रेन 2014 में बंद कर दी गई थी लेकिन 2022 में ठीक 8 साल बाद इसे पुनः स्टार्ट की जा रही है। और वाकई आज का दिन बहुत ही शुभ है और नेपालवासियों और भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। और देख सकते हो दुल्हन की तरह पूरा सजा दिया गया है। ओ भाई साहब, देख सकते हो आपको यहीं से टिकट मिलेगी, यहाँ पे 2 काउंटर बनाया गया टिकट का, आपको यहीं से टिकट मिलेगी। और अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही सवेरे आ गए हैं, मतलब सुबह में आ गए हैं। और उसके बगल में, ठीक बगल में आपको ट्रेन का जो फेयर है वो लिखा हुआ है, हिंदी में है, मैं आपको कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इसे डिजिटली लाइव होस्टिंग मतलब उद्घाटन करेंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली का हैदराबाद हाउस, यहीं से नेपाल के प्रधानमंत्री और इंडिया के प्रधानमंत्री डिजिटली फ्लैग होस्ट करेंगे। ये उद्घाटन आज दोपहर के 12:15 में होगा और 12:15 में ही बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था की ओर ये रेल जाएगी। नेपाल में ये पहली ब्रॉड गेज रेल यात्री सेवा होगी। चौदह से पहले जयनगर और जनकपुर के बीच नैरो गेज रेल यात्री सेवा चल रही थी। इस इंडिया नेपाल डेमू ट्रेन में 5 कोचेस दिए गए हैं जिसमें कि 4 सेकेंड सीटिंग है और 1 AC कोच है। अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो आपको इंडियन अथॉरिटी द्वारा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड होना ज़रूरी है, अन्यथा आप इसमें सफ़र नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों, आप नेपाल तो गए होंगे बट फ्लाइट या फिर बाई रोड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेल। या सो आज ही इसका इनॉग्रल है और आज 2 अप्रैल और हमारे प्रधानमंत्री जी आज यहाँ से ठीक 12:15 2014 से पहले जयनगर और जनकपुर के बीच नैरो गेज रेल यात्री सेवा चल रही थी और 12:15 में यहाँ से ये ट्रेन रवाना होगी नेपाल की ओर। नेपाल के लिए जयनगर से बिजलपुला की ओर ट्रेन सबसे पहले 1937 में स्टार्ट की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा और 1937 से 2001 तक चलाई गई थी और 2001 के बाद बिहार में बाढ़ आने के कारण और नेपाल में पानी बढ़ने के कारण इसे बंद कर दिया गया और पुनः आज इसे स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए, देख सको तो कितनी ज़्यादा खुशी है इनकी, पूरा एकदम देखो खुशी देख रहे हैं इनको कि मतलब 8 साल बाद, पूरे 8 साल बाद हमारी रेल यात्रा स्टार्ट हो रही है भारत से नेपाल की ओर और खुशी देंगे इन लोग की। बस 12:15 होने में बस 3 मिनट रह गए हैं और देख सकते तुम्हारे पीछे कितना ही भीड़, समझो बेकाबू ही हो रही है। और बस 3 मिनट के बाद उसके बाद पूरा इनॉग्रल होगा हमारा ट्रेन और प्रधानमंत्री जी हरी झंडी डिजिटली दिखाएंगे वहाँ से। ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है और मैं आपको बता दूं जयनगर और कुर्था के बीच ये ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और ये इस ट्रेन का फर्स्ट एसी क्लास कोच और देख सकते हो कितने ही ज़्यादा ही हम लग रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं हम लोग ट्रेन में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग कुछ लग्जरियस ट्रेन में आ रहे हैं। और कुछ देख सकते हो इसकी जो सीट क्वालिटी है सुपर्ब, साइड में कर्टन्स दिए हुए हैं और सामने लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल रेलवे और ऊपर एसी ग्लोबल लाइटिंग वाइटिंग और लगेज रखने का रैक भी दिया गया है। अगर आपको अगर बाहर जाना है तो यहाँ पे ये स्लाइडिंग गेट्स दिया गया है और तो काफ़ी हार्ड लग रहे हैं। पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट नरवा जंक्शन, इसको भी कोड नहीं दिया गया है और न इस ट्रेन का नंबर दिया गया है। तो देखते हैं इस ट्रेन का नंबर और सारे स्टेशनों का कोड कब तक आते हैं और रेलवे नेपाल रेलवे और इंडियन रेलवे को कब तक देते हैं कोड और नंबर। और देख सकते हो सेफ्टी के लिए हर एक कोच में नेपाली पुलिस ऑफिसर दिए जाएंगे। आगे डब्बा है देख सकते हैं दोस्तों, लोग इतने उत्साहित है कि मतलब ट्रेन में चढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हो रहे हैं। यहाँ पे नेपाली सिक्योरिटी फोर्स चढ़े हैं और चढ़े इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टिकट चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ ये टूरिस्ट इंटरनेशनल ट्रेन है और कोई ऐसा ना हो कि बिना टिकट के ट्रैवलिंग कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी चढ़े हैं और सभी का टिकट चेक कर रहे हैं। दोस्तों शताब्दी तेजस वंदे भारत में जैसे चेयर कर रहे हैं ना, वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, सेफ और सही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक तो यहाँ पे एक बटन दिया हो गया है, यहाँ पे इसको प्रेस करके एडजस्ट कर सकते हो और फिर उसी बटन में प्रेस करके फिर से नंबर मॉडल ला सकते हो।
जब देखे तो इस ट्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और देख सकते हो लेग स्पेस कितना ही ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे दिया गया है छोटा मोटा सामान रखने के लिए जैसे मोबाइल वोबाइल चार्जर यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ट्रेन कैसी लगी? अकल वक्ल है हैं? अकल वक्ल है थोड़ा सा? अभी चलेगी तो कटक ना, इसको डांटा का है, डांटा है। चुकी इस ट्रेन का दूसरा हॉल खजूरी जंक्शन और इसका भी कोड नहीं दिया गया। और फिलहाल देखते हो कितना ही क्राउड है, मतलब लोग इतना ही उत्साहित है कि मतलब किसी भी बोगी में चढ़ जाते हैं। अभी हमने फिलहाल एसी बोगी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और इसमें सेकेंड एज के लोग भी चढ़ गए थे, इतने उत्साहित थे यहाँ के लोग क्योंकि 8 साल के बाद फिर से पुनः स्टार्ट किया गया। सो हमारी ट्रेन खजूरी से डिपार्चर ले चुकी है और देख सकते हो स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है और देख मतलब नया नया खुला है तो जहाँ साफ सुथरा हो गई और देख सकते हो यहाँ पे रेलवे परिसर तथा डिब्बो में यहाँ वहाँ ना रुकें, वो साफ सफाई में योगदान दें, धन्यवाद। यहाँ पे लोगों की कितनी ज़्यादा जमावड़ा है, सालों के बाद जो ट्रेन यहाँ पे चली है इस वजह से लोग बहुत अलग मतलब कुछ अलग ही उत्साह है यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, हम फाइनली नेपाल में एंट्री हो चुके हैं और जियो के सारे नेटवर्क गए, एयरटेल में एक बचा हुआ है नेटवर्क, शायद वो भी जाने वाले हैं तो आएँ तो अपना प्रीपेड या पोस्ट पेड तो भी वो भी नहीं चलेगा। आप यहाँ पे आए तो नेपाली सिम जरूर ले लें। और इस रेल सेवा को क्या हाल है? बाय बाय। ठीक है, ट्रेन कैसी लगी? अकल वक्ल है हैं? अकल वक्ल है थोड़ा सा? अभी चलेगी तो कटक ना, इसको डांटा का है, डांटा है। सो हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल वैदेही स्टेशन और यहाँ पे ही पता नहीं कितने देर का हॉल्ट है। फिलहाल ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और देखते हैं आप लोग हमारे सारे पीछे। और यहाँ पर कमला जयनगर के पास अभी हमारे शिमला नदी मिथिला का प्रसिद्ध है, प्राचीन मिथिला का। अच्छा, अभी तो मधेश राज नाम हो गया, मधेश प्रदेश जनकपुर राजधानी, और उन्हीं के यहाँ पर जानकी जी वैदेही माता जाने के टाइम में, अयोध्या जाने के टाइम में ये जुमला घाट पर जब यहाँ के मिथिलावासी रो रही थी, पूरा महिला लोग स्त्रीगण और पुरुष, जो हमारे राजकुमारी वैदेही माता जा रही है राजा विदेश का पुत्री अयोध्या, तो उस टाइम में वो सांत्वना देते हुए मिथिलावासियों को जो अपने कोच में से एक मुट्ठी धान यहाँ पर दिया उस जुमला नदी के तट पर, और उन्होंने कहा माता जानकी जी ने जो कभी भी मिथिलावासी को ये वैदेही वासी को इस मिथिला क्षेत्र में धान का कमी अन्न का कमी नहीं होगा, अन्नपूर्णा माता के रूप में जो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्हीं के नाम पर ही वैदेही गांव का नाम है बिमला नदी के किनारे में, जो कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयुग सीताराम के नाम से प्रसिद्ध है और वैदेही स्टेशन है उन्हीं जानकी जी के नाम पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों का भी धन्यवाद। ऐसा लग रहा है यहाँ के वासियों को उत्साह है, उत्साह है, उत्साह तो हम लोग देख ही रहे हैं, काफी बढ़िया लग रहा है देख के, उत्साह है लोगों को।
21 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं प्रवाहा स्टेशन। और यहाँ पे हमारा कुछ पता नहीं कि कितने मिनट का हॉल्ट है। और देख सकते हो हमारे पीछे काफ़ी खूबसूरत सा गांव है। एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो स्टेशन है काफ़ी ऊंचाई पे ये नहीं दिया गया ये, और देख सकते हो कितने स्टेयरिंग कितना ऊपर है और स्टेशन कितना नीचे है। तो हम लोग की ट्रेन प्रवाहा से डिपार्चर ले चुकी है। वर्तमान स्टेशन प्रवाहा। वर्तमान स्टेशन प्रवाहा। मैं आपको बता दूं, इंडिया से नेपाल ट्रेन 1937 में स्टार्ट हुआ था, वो भी अंग्रेजों द्वारा, और 2001 तक चला था ये रेल सेवा। और 2001 में बाढ़ आने के कारण, क्योंकि उस टाइम नैरो गेज था तो टूट कर बिखर गया, इसलिए तब से बंद पड़ा था। 2 अप्रैल 2022 को ब्रॉड गेज के साथ हमारी ट्रेन, इंडिया नेपाल की ट्रेन, फिर से प्रारंभ कर दी गई है। सो गाइस देख सकते हो, ये है हमारा टिकट एसी चेयर कार का, और मैनुअली बनाया गया है। आप लोग देख सकते हो मैनुअली बनाया गया है, क्योंकि पहला ही दिन जो प्रिंटर था, टिकट प्रिंटर था, वो क्रैश हो गया है, वो भी पहला ही दिन, सोच सकते हो, इसलिए हम लोग मैनुअली बना दिया गया है। अब हम आपको फेयर की बात करें तो जनरल क्लास का फेयर है जयनगर से कुर्था की ओर 90 रुपये, और इंडियन रुपये में है वो 56 रुपया 12 पैसे। और ये इस चेयर कार का है 450 नेपाली रुपी और इंडियन रुपी में 282। सो देख सकते हो आगामी रेलवे स्टेशन जनकपुर है, और बस हम लोग आ ही गए हैं कुछ क्षण में। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वो भी फैसिलिटीज़ है, जो नेक्स्ट स्टेशन कौन आने वाला है वो भी दिखाता है इसमें। देख सकते हो ग्रीन लाइट जनकपुर, और इसके बाद हमारा लास्ट स्टेशन कुर्था होगा। और ये है जलादपुर ब्रिज, जलादपुर तैयारी हो रही है, अभी बन ही रहे हैं अभी। तो हम लोग जानकी माता का धरती जनकपुर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये है हमारा, ये हमारे सीता माँ का जन्म, और ये हमारी सीता माँ का जन्मभूमि जनकपुर। और मैं एक और बात बता दूँ कि ये इंडिया नेपाल रूट का ये सबसे बड़ा स्टेशन है। और हमारे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही रहते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा टूरिस्ट पैलेस भी है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जानकी माता का मंदिर भी है। देख सकते हो कि
8 साल बाद और देख सकते हो 8 साल बाद पुनः रेल सेवा स्टार्ट की गई और जनकपुर में खुशी देख रहे हो, चारों तरफ देख रहे हो खुशी खुशी बिखर रही है। देख सकते हो कि वेरीगेटिंग खोल दी गई है और ये ट्रेन को रोक दी गई है, ट्रेन को रोक दी गई है, ब्रिगेडिंग को खोल दी गई है। सो हमारी ट्रेन और जनकपुर से डिपार्चर लेने के साथ ही रोक दी गई है क्योंकि आगे ब्रिगेडिंग थी बट बंद नहीं की गई और अभी अभी पता चला है यहाँ पर लोकल से कि आगे हार्डली 100 मीटर दूर पटरी पे आग लगा दी गई है। मैं बता दूँ इन लोगों के लिए इतनी खुशी की बात है बट फिर भी पता नहीं ये नाराज़गी क्यों जता रहे हैं। नहीं बैठो, अब बैठोगे इसमें जो सकते हो। बच्चे कितने ही ज़्यादा खुश हैं, ये बच्चे फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रेन को देख रहे हैं शायद कैसा लग रहा है ट्रेन अच्छा है, कितना अच्छा, कब जाओगे फिर अभी हटा जाओ घूम के ऑफिस में कभी। सो हम लोग फाइनली 35 किलोमीटर जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं अपना ट्रेन का लास्ट स्टेशन कुर्था स्टेशन। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका कोड है, बताते हैं क्या कोड, इसका कोड है KUTA। जी हाँ, मैंने अभी गूगल पर सर्च किया और पता चला कि इसका कोड है, इसका कोड है KUTA। बाकी स्टेशनों का शायद अभी रखा नहीं गया है पर जल्द से जल्द रख दिया जाएगा और हमारी ट्रेन का ये लास्ट स्टेशन था। तो बताओ ये जर्नी, इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी कैसी लगी कमेंट करके बताओ और जितना जितना शेयर कर सकते हो करो। और जी हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, जाओ फॉलो करो।